हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ABS फार्मर पे। तो मैं पहुंच चुका हूँ हसन भाई के फार्म पे, जो कि उनका फार्म का नाम है पंजेतनी दूध डेयरी फार्म। और आज हम पंजेतनी दूध डेयरी फार्म का फार्म टूर करेंगे, वो भी हसन भाई की जुबानी। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। हाँ जी हसन भाई, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। तो आप हमें फार्म का टूर एक बार करा दीजिए कि कैसे कैसे कहाँ क्या होता है। सबसे पहले हम चालू करेंगे जो आपने मैदान बनाया है, खुला वाड़ा बनाया है, उससे चालू करते हैं। ये सब हमारी गाय है। हाँ जी हसन भाई, हमको बताइए कि आपने ये खुला वाड़ा किया, उससे कोई फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ, उससे तो बहुत फायदा हुआ है। खुला वाड़ा करने से गाय को जहाँ भी जाना, जहाँ बैठना हो, जहाँ घूमना हो, गाय को बहुत मजा आता है। और बीमारी में कोई फर्क पड़ा है? हाँ, बीमारी बहुत कम होती है, मस्टाइटिस की प्रॉब्लम बहुत कम हो रही है। मस्टाइटिस और कोई जैसे हो गया अपने थाइलेराइसिस हो गया, एनाप्लाज्मोसिस, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, सब में बहुत फर्क पड़ता है जब खुले में वो घूमती है। तो अपनी मर्जी से अगर गाय घूमती है तो उसको बीमारी बहुत कम पड़ती है। अपनी मर्जी से जहाँ बैठ सके वहाँ बैठ जाती है, उसको खाना खाना हो तो खड़ी होकर खा लेती है, फिर बैठ के फिर जो मर्जी है लेट जाती है, आराम करती है, ऐसा कुछ बढ़िया मजा आता है गायों को। जी हसन भाई, आप इसका डायमेंशन आपको पता होगा कैसे, क्या माप है इसका? हाँ मैं बता देता हूँ, ये 32x40 का है ये खुला वाड़ा। नहीं, ये जो शेड है वो 32x40 का है जी, और ये खुला वाड़ा है ना वो 50x60 का है। जी 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 जी। चलो अब आपका जो मेन जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमें। डॉक्टर, हमने इस साल ही अगले साल ही बनाया था स्ट्रक्चर, ये नया तबेला। पहले हम घर पे गाय रखते थे, यहाँ से छोड़ देते थे तो घर पे आकर खड़ी हो जाती थी, वहाँ उनका मिल्किंग होता था। लेकिन उससे क्या होते थे तो लेबर प्रॉब्लम ज़्यादा होता था, लेबर को बहुत दिक्कतें आती थी यहाँ से ले जाने का, और ले जाकर कुछ गाय अलग चली जाती थी, कुछ अलग चली जाती थी। जी जी, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, इसलिए हमने ये नज़दीक ही बना दिया नया तबेला। जी जी। और ये छोटी बच्ची के लिए केज यहाँ पे ही रहते हैं? हाँ भाई, वो यहाँ पे ही रहते हैं छोटी बच्चियों के लिए। ये 3 महीने तक इसके अंदर रहेगी, फिर जो खुला वाला आपने बनाया है उसके अंदर छूट जाएगी। तो यहाँ पे मिल्किंग के लिए आती है? हाँ, यहाँ पे सब गाय मिल्किंग पे आती है, यहाँ पे और उधर दोनों साइड मिल्किंग होता है। दो मशीन लगाया है हमने, एक वहाँ पे और इधर, दोनों साइड हो रही है। ये आप इसका एक बार हमें डायमेंशन बता दीजिए, ये गैलरी कितने की है? ये गैलरी 12 फुट है, लेकिन दोनों साइड एक एक फुट, डेढ़ डेढ़ फुट छोड़ दिया है, बीच में 9 या 10 फुट की गैलरी होगी। 10 फुट की गैलरी है और घमान एक एक डेढ़ डेढ़ फुट की होगी। डेढ़ डेढ़ फुट की घमान है जी। और इसका डायमेंशन कितना है? वो नीचे जो हिस्सा है वो नीचे वाला हिस्सा, हाँ इससे ये 15 फुट होगा, दोनों साइड 15 फुट। जी जी। और ये जो हाइट है इसकी, वो हाइट कितनी है? ये हाइट बीच में 15 फुट है, फिर उससे थोड़ा 1.5 फुट कम, फिर उससे थोड़ा 1.5 फुट कम, नीचे जाकर 11 फुट हो जाती है। जी, आपके हिसाब से ये हाइट सही है या फिर और हाइट में बनाना चाहिए आपको? अभी और उससे भी हाइट में बनाना चाहिए, थोड़ी हाइट हमें छोटी कम पड़ रही है, लेकिन हमने प्लानिंग किया है वो जो बीच में से वो निकाल देंगे, फिर उसको जो बीच वाला हिस्सा है वो थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। जी जी, उससे क्या फायदे होंगे? हाइट होगी तो क्या है, जो गोबर का बास आ रहे हैं वो बास नहीं आ रहेगी, खुली हवा मिलेगी गाय को, वो गर्मियों में उसको परेशानी नहीं होगी, और हवा का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा होगा सर्कुलेशन। जी जी।
और कोई स्टोर रूम बनाया हुआ है आपने, जैसे कि जो दान वान के लिए और ये रखने के लिए सब? अभी तो स्टोर रूम बनाया हुआ है अंदर, लेकिन दान क्या है लाने की दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पे दान रखते हैं जो गैलरी में उसके बीच में ही रख देते हैं। जी। और आपने हीफर के लिए अलग बनाया हुआ है? हाँ हीफर के लिए अलग बनाया हुआ है, वो अभी तो 3 महीने तक ये इसमें ही रहेगी। केज में ही रहती है? हाँ उसके बाद वहाँ पे वारा है उस पर छोड़ देगी, अभी जी। ये बछड़ी है वो छोड़ देने वाले हैं वहाँ पे अकेले। हाँ जो आपने ब्रूट की बछड़ी हमको बताई थी वो? जो हमने बस ब्रूट का जो वीडियो बनाया था वो क्या, अभी उसको दूध हमने छोड़ दिया है, दूध पिलाना बंद कर दिया है, जी। तो खाना चारा खाना शुरू हो गया है, लेकिन हम 6 महीने तक उसको सूखा चारा ही डालते हैं। और ये आपने एक छोटा सा और बनाया हुआ है, ये सारी हीफर्स के लिए, जो बड़ी हीफर्स हाँ हो जाती है? बड़ी हिफर हो जाती है, हम वहां से वो यहाँ ला देते हैं जो बड़ी बड़ी हो जाती है। जी। इनको मतलब जब AI करने के लिए लायक हो जाती है हाँ तब यहाँ ला देते यहाँ हो? ला देते हैं, अभी 4 बछड़े ये हो चुके हैं और कंफर्म भी हो चुके हैं कि वो 100% गाभिन है, सभी ABS के सेक्शन सीमेन से गाभिन है। जी। हसन भाई आपने, और ये बछड़िया बहुत ही माशाल्लाह तैयार की है आपने। हाँ वो 13-13 महीने की ये बछड़िया है, सब 350 kg ऊपर वेट है सबका। अभी उनमें से 3 जो बछड़िया है वो अभी इसको AI करना बाकी है, क्योंकि उसका अभी वेट हुआ नहीं है, क्योंकि वो बछड़िया इन ये 4 बछड़ियों से थोड़ी छोटी है, 4-4 महीने, इसलिए वो हमें क्या है कि साथ में AI करवाते हैं तो साथ में सब BI की और मिल्क ज्यादा देगी? मिल्क ज़्यादा देगी, उससे क्या होगा फिर बीच में गैप पड़ जाता है, सब एक साथ BI जाती है तो एक साथ भी आ जाएगी तो फिर हमको मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा हमारा मिल्क और प्रोडक्शन फायदा बढ़ होगा। जाएगा, फायदा तो होगा, लेकिन क्या है बीच में उसके बाद सब फिर से गर्मी में आएगी, फिर से सब गाभिन एक साथ होगी, एक साथ छोड़ना पड़ेगा, तो उससे क्या हो गया कि फिर मिल्क प्रोडक्शन घट जाएगा, जी। तो उसको फार्म को नुकसान होगा, फार्म चलाने में थोड़ी दिक्कत दिक्कतें आएगी। आ रहेगी। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको हसन भाई कैसे ये बछड़ियाँ तैयार करते हैं, हीफर्स कैसे तैयार करते हैं, उस पर अगर वीडियो बनानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। जी हसन भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखना।